हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष आपको अपना यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या CMA क्या है, उसका एनालिसिस पूरा किया था। CMA में पेपर कितने होते हैं और CMA में स्टेजेस कितने होते हैं, और फ्रेंड्स मैंने भी बताया था कि CMA में जॉब कहाँ लगता है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया था। आज मैं फ्रेंड्स आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ कि CMA में पेपर तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, तो आज कितने कौन कौन से पेपर CMA में पढ़ना है, तीनों स्टेजेज में कौन फाउंडेशन लेवल में कितने कौन सा पेपर पढ़ना है, इंटरमीडिएट लेवल में कौन सा पेपर पढ़ना है और फाइनल लेवल में कौन सा पेपर पढ़ना है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार कॉमर्स में ज़्यादातर अकाउंट्स है, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं है। आज CMA बनने के बाद अकाउंट्स तो बहुत कम आपको काम देगा फ्रेंड्स, यार आपको कॉस्टिंग काम देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ अभी डिस्कशन बोर्ड पे करना हो कि कौन कौन से पेपर हम लोग को कितने कौन कौन से स्टेजेज में पढ़ने हैं फ्रेंड्स। चलिए पेपर होता है फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको लिख के ही बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला पेपर फाउंडेशन में CMA का फाउंडेशन में, ऐसा आप मान लो कि CMA में 20 पेपर होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाए फ्रेंड्स उसमें बताया जाता है फ्रेंड्स। सेकेंड पेपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेकेंड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड इथिक्स होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताया जाएगा फ्रेंड्स लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया जाएगा फ्रेंड्स लॉ में, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताया जाएगा फ्रेंड्स लॉ में, जो कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको इंटर में भी पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताया जाएगा फ्रेंड्स और इथिक्स बताया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 20 मार्क्स का इथिक्स बताया जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपने के सामने मैंने लिखा है थर्ड पेपर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें फ्रेंड्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 11th 12th का अकाउंट्स रहता है फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ पेपर की तरफ कि कौन सा फोर्थ पेपर है फ्रेंड्स। फोर्थ पेपर है फ्रेंड्स, हाँ फोर्थ पेपर मैथ है फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है फ्रेंड्स, जो कि आपको एक बस यही पेपर एक फ्रेंड फाउंडेशन में ही मैथ पढ़ना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने फाउंडेशन के बारे में आपको बताया है कि फंडामेंटल ऑफ, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट होता है फ्रेंड, फिर सेकेंड पेपर फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड इथिक्स होता है फ्रेंड, फिर मैंने बताया कि थर्ड पेपर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होता है फ्रेंड, फिर मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एंड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स होता है फ्रेंड, फिर मैं फ्रेंड फाउंडेशन तो मैंने बताया कि फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, आपको इंटरमीडिएट का बताता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स आपको चार पेपर तो बता दिया फ्रेंड्स, फिर पेपर नंबर फाइव फ्रेंड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें फ्रेंड्स आपने देखा कि फाउंडेशन में भी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है फ्रेंड्स, आप पेपर नंबर फाइव इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल ऑफ अकाउंटिंग है फ्रेंड्स। पेपर नंबर सिक्स टैक्सेशन, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं पेपर नंबर सिक्स डायरेक्ट टैक्सेशन, तो कॉमर्स के स्टूडेंट यही सोचते हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है, तो फ्रेंड्स आप लोग आपके मैंने अभी सामने लिखा डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि फ्रेंड्स आपको टैक्स भी पढ़ना है फ्रेंड्स CMA में। ये तो ग्रुप वन का, इंटरमीडिएट ग्रुप वन का मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद इंटरमीडिएट ग्रुप टू में ग्रुप टू में GST भी पढ़ना है फ्रेंड्स। तो मैं पेपर नंबर सेवन आपको बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि CMA सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करता है फ्रेंड्स, तो वही है फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें सिर्फ आपको कॉस्ट
कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है फ्रेंड, जैसे कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया फ्रेंड, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि चीन, चीन का प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो मार्जिनल कॉस्टिंग पे काम करता है फ्रेंड्स, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है फ्रेंड्स और उसका दाम घट जाता है फ्रेंड्स, उसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट तक उसका नो लॉस नो प्रॉफिट, उसके बाद उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। उसी में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर है फ्रेंड्स, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स कि चीन का दाम इतना सस्ता क्यों होता है फ्रेंड्स। फिर मैं पेपर नंबर 8 बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके सामने। हाँ फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट में भी आपको एक पेपर लॉ पढ़ना होता है फ्रेंड्स, इसमें भी वही सेल्स ऑफ गुड्स एंड मैनर, जैसे कि पहले बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रक्ट एक्ट, यही सब आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। ये भी ठीक ठाक पेपर है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अच्छे से फाउंडेशन किया हुआ है तो आधा आपका पढ़ा हुआ हो जाएगा फ्रेंड्स, आधा आपको ही पढ़ना होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ही तो मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप वन की बात कर ली फ्रेंड्स, इसमें अभी 4 पेपर मैंने 8 पेपर फाउंडेशन में 4 पेपर मैंने बताया था, फिर इंटरमीडिएट ग्रुप वन में 4 पेपर दोनों मिला के 8 पेपर हो गया फ्रेंड्स। फिर इंटरमीडिएट ग्रुप टू का मैं अभी आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको पेपर नंबर 9 बताने जा रहा हूँ जो इंटरमीडिएट ग्रुप टू में है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसको फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म हम OAM और SM भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ये इंटरमीडिएट ग्रुप टू पेपर नंबर 9 में है फ्रेंड्स। इंटरमीडिएट ग्रुप टू का ऐसे आप बोल सकते हैं कि पेपर नंबर 1 इसको आप ग्रुप टू का बस बोल सकते हैं, वैसे CMA में ये पेपर नंबर 9 में है फ्रेंड्स। तो GST नहीं बोला जाता है फ्रेंड्स, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें मैं कस्टम ही पढ़ना है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, क्योंकि GST के साथ कस्टम भी पढ़ना है फ्रेंड्स, तो मैं दोनों GST प्लस कस्टम फ्रेंड्स, मैं अब ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट OMSM, और फिर पेपर नंबर 10 इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया फ्रेंड्स, GST प्लस कस्टम पढ़ना है फ्रेंड्स। मैं पेपर नंबर 11 बताने जा रहा हूँ, पेपर नंबर 11 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, फ्रेंड्स पेपर नंबर 11 में कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। फ्रेंड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है फ्रेंड्स, कंपनी अकाउंटिंग अलग होता है, जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप किसी एक इंडिविजुअली का आप अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में कंपनी का अकाउंट्स बनता है फिर इसका बैलेंस शीट अलग होता है, इसका PL अलग होता है फ्रेंड्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट अलग होता है। फिर फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग ही बनता है फ्रेंड्स, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में ट्रेडिंग नहीं बनता है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ PL बनता है फ्रेंड्स और बैलेंस शीट बनता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पेपर नंबर 12 है फ्रेंड्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग को आप लोग शॉर्ट फॉर्म अभी नहीं लिखा हो, लेकिन अकाउंटिंग को आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेंड्स। जैसा कि इंटर ग्रुप वन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना था फ्रेंड्स, और ग्रुप टू में भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना था फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें कॉस्टिंग भी पढ़ना है फ्रेंड्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है फ्रेंड्स, कि कैसे मैनेज किया जाए फ्रेंड्स। ये तो इंटरमीडिएट का पेपर हो गया फ्रेंड्स, फाउंडेशन का मैंने बता दिया फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट का बता दिया फ्रेंड्स, अब चलते हैं फाइनल में। फाइनल में कितने पेपर होते हैं वो तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं फ्रेंड्स फाइनल में वो मैं आपको भी बताता हूँ। पेपर नंबर 13 कॉरपोरेट लॉ एंड कंप्लायंस, इसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी का लॉ पढ़ना होगा फ्रेंड्स। अब मैं बताने वाला पेपर नंबर 14 फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स ये सारा पेपर, मतलब जैसे कि आपको फाउंडेशन का 4 पेपर हो गया फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट का 8 पेपर हो गया फ्रेंड्स, 12 पेपर ये फाइनल का पेपर है फ्रेंड्स, फाइनल में भी 8 पेपर है फ्रेंड्स। तो फाइनल में 14 में पेपर नंबर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये
फ्रेंड्स पेपर नंबर 14 है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं आपको पेपर नंबर 15 बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट। फ्रेंड्स सीएमए के पेपर नंबर 15 में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग इसको बोलते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि हाउ, इसमें इस पेपर का डिसीजन मेकिंग नाम ही फ्रेंड्स, इसमें बताया जाता है कि डिसीजन कैसे ले फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मैनेजमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फ्रेंड्स। अब बताने वाला हूँ पेपर नंबर 16, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स लॉ। इसमें आपको टैक्स का लॉ भी बताया जाएगा फ्रेंड्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी बताया जाएगा फ्रेंड्स। इंटरनेशनल में जैसे कि यूएस हो गया, आप दुबई हो गया, इसमें टैक्स का कैसे कैसे लगता है फ्रेंड्स। मैं आपको पिछला क्लास में एक बात नहीं बता पाया था फ्रेंड्स कि आपको गल्फ़ कंट्री में भी सीएमए करके आपको जॉब मिलेगा फ्रेंड्स, उसमें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। इतना तक हम वो बताता हूँ फ्रेंड्स कि गल्फ़ कंट्री में सीएमए का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि सीएमए बनने के बाद आप गल्फ़ कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको टोटल 16 पेपर बता दिया फ्रेंड्स, अब मैं आपको 4 पेपर और बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेपर नंबर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ उसमें भी बताया गया फ्रेंड्स। फाइनल ग्रुप वन में भी इसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस करवाएगा फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादातर आप लोग प्रैक्टिकली बताया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स पेपर नंबर 18 हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग को सीएमए में बस 2 पेपर बचता है फ्रेंड्स, जो मैं आपको 19 पेपर नंबर 19 और पेपर नंबर 20 बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें फ्रेंड्स आप कॉस्ट ऑडिट के बारे में इस पेपर के को बताया जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर नंबर 20 फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये सीएमए का लास्ट पेपर है फ्रेंड्स। इसके बाद आप सीएमए बन जाओगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आपको बताया कितने पेपर होते हैं फ्रेंड्स, सबको मिला के 20 पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था फ्रेंड्स कि फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं फ्रेंड्स, और फाइनल में 8 पेपर होते हैं फ्रेंड्स। सबको मिला के 20 पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने पेपर्स को आपको बता दिया फ्रेंड्स कौन कौन से पेपर होते हैं सीएमए में। तो अब कॉमर्स के स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि सिर्फ हमको अकाउंट्स ही पढ़ना है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट ये सोचे कि हमको इतने सारे पेपर्स पढ़ना है। अगर आप बीकॉम भी करते हो फ्रेंड्स, तो बीकॉम भी आप करते हो फ्रेंड्स, तो आपको कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब बीकॉम लास्ट ईयर में आप फ्रेंड्स आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ये मत सोचिए कि हमको अकाउंट्स पढ़ना है फ्रेंड्स। मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया मैं आपके सामने एक बार फिर से रख देता हूँ। आज मैंने आप लोगों को बताया कि सीएमए में कितने पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स, और सीएमए में कौन सा स्टेज में कौन कौन सा पेपर पढ़ना होता है फ्रेंड्स। जैसा कि सीएमए में फाउंडेशन स्टेज पर आपको 4 पेपर पढ़ना है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट स्टेज पर 8 पेपर पढ़ना है फ्रेंड्स, और फाइनल स्टेज पे 8 पेपर पढ़ना है फ्रेंड्स। तो टोटल हम लोग को सीएमए में 20 पेपर्स पढ़ना है फ्रेंड्स, 20 पेपर्स पास करके ही हम लोग सीएमए बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज मैंने आप लोग को यही बताया फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में आपके साथ एक नया टॉपिक लाऊंगा जो सीएमए से रिलेटेड ही होगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डायनेमिक एजुकेशन।